हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पिंकी होम कुकिंग लाइफ में। तो आज हम बनाएंगे दूध से स्वादिष्ट कड़ाकंद रेसिपी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने इलायची ली थी 7-8, इसका पाउडर बना लिया। ये 8-10 के करीब बादाम है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से मिक्स में लिए मैंने। ये 10-11 काजू हमारे। ये चीनी, ये देखिए सारे सामग्री है हमारी। ये मैंने दूध 2 लीटर दूध लिया है, भैंस का दूध है ये। तो मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। ये सारा दूध इसमें डाल दूंगी। अब अभी चलाएंगे इसको चम्मच से। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक हमारा दूध आधा ना हो जाए। देखिए हमारे दूध में उबाल आ गया है। तो हमें साइड से जो हमारी मलाई चिपक रही है कढ़ाई में, तो इसको उतारते रहना है। देखिए ऐसे उतारते रहना है इसको बार बार, और दूध में मिक्स करना है। ये देखिए बार बार यहाँ चलाता रहना है चम्मच को नीचे और चारों तरफ से। इसी तरह हमें इसे आधे से आधा होने तक पकाना है। ये देखिए हमारा दूध काफी आधा हो गया है जितना हमने डाला था। अभी इसको और पकाना है, इसका और आधा करना है हमें दूध गाढ़ा होने तक। साइड से हमें मलाई उतारते रहने हैं बार बार में चम्मच को चारों तरफ से फेरते हुए। ये देखिए ऐसे इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इस रेसिपी को अगर आप बिल्कुल फ्री हो उसी टाइम बनाएं। ये देखिए हमारे दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए तो इसमें मैं हमारा इलायची का पाउडर डाल दूंगी। अब ये काजू और बादाम को मैंने बारीक पीस लिया, तो ये डाल दूंगी इसमें। इससे हमारा दूध की जो कड़ाकंद है वो अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। ये ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालना। नहीं देखिए हमारे दूध में कितने अच्छे से उबाल आ रहा है, चारों तरफ मलाई भी अच्छे से जम रही है हमारी। ये चीनी डाल दी मैंने यहाँ पे 1 कटोरी। ये देखिए हमारा दूध काफी गाढ़ा लगने लगा है। हमें इसको बिल्कुल ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये काफी देर तक ऐसे ही रखना है इसको, तो ये वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा दूध हमारा। तो थोड़ा सा पतला रखना है इसको। अभी थोड़ा और पकाना है। आपको
मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब। अभी थोड़ी देर और पकाना है इसे। ये देखिए, इसको भी उतारते हुए साइड से दूध में मिक्स करना है हमें। ये देखिए हमारी अच्छे से बनके तैयार है। कितने अच्छे से हमारी जो कलाकंद है वो बन रही है हमारी। तो यहाँ पे मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ इसमें ऊपर से। ये देखिए बिल्कुल बनके तैयार है हमारी कलाकंद, और आप एक बार इसे जरूर ट्राई करना, बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। हम बाजार की जैसे घर पर कभी होता है ना ऐसे कि हम बाजार नहीं जा सकते तो झटपट से बना ले कुछ खाने का मन हो तो आप जरूर बनाइएगा।